हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी हेयर केयर रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं, सॉफ्ट, स्मूथ बना सकते हैं। और गाइस, क्या होता है कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज, फ्रिजी हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लंबे, घने, मजबूत हो जाएं, साथ ही साथ सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाए, तो आप इस DIY रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो ईज़िली आपको आपके किचन में मिल जाएगी और आपके घर में अवेलेबल होगी ही। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, कि हमें इस DIY रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है। जैसे कि बहुत लोगों के घर में पौधा लगा होता है एलोवेरा का, अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट का भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा ले रही हूँ। इसको आपको कॉर्नर से अच्छे से कट कर लेना है और उसके बाद देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ से भी इसका छिलका जो है आपको निकाल लेना है। साइड से आपको इसके कांटे भी अलग कर लेने हैं। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। एलोवेरा आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, आपके बालों में कोई शाइन नहीं है, तो आप इस एलोवेरा को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि एलोवेरा आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीसेस में से अच्छे से कट कर लेना है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लें। तो मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। देखिए आपको इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद आपको चाहिए प्याज। प्याज तो सबके घर में अवेलेबल होता ही है। प्याज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, काले नहीं हैं बिल्कुल भी, अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो गए हैं तो ये आपको बालों को काला करेगा। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे, बेजान हैं, बालों में कोई शाइन नहीं है, तो प्याज का रस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके बालों में गंजापन आ गया है तो प्याज तो बहुत ही रामबाण तरीके से आपके बालों के लिए काम करेगा, गंजेपन को दूर करेगा, सफ़ेद बालों को हटाएगा और आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाएगा। तो आपको इसको भी अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल और प्याज को अच्छे से कट कर लिया है। ये दोनों ही चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रेमेडी है आपके बालों के लिए। तो आपको एक मिक्सी जार लेना है जिसमें आपको इन एलोवेरा के टुकड़ों को अच्छे से डाल देना है और उसके बाद प्याज को भी आपको इसमें डाल देना है और उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। तो देखिए ये मिक्सचर एकदम अच्छे से तैयार हो गया। अब आप इसे छान लीजिए। आप इसे छलने की हेल्प से अच्छे से छान लीजिए ताकि इसका रस निकल जाए। तो आपको क्या करना था, आपको सिर्फ दो चीज़ें लेनी है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इसे ईजिली बना सकते हैं और आप इसे यूज़ करोगे तो आपको इसके पहले ही बारे में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही नेचुरल रेमेडी है आपके बालों के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से रेडी कर लिया है। अब आप इसे अच्छे से अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों की लेंथ पे अप्लाई करें। जब भी आपको अपने बाल धोने हैं, कम से कम 1 से 2 घंटा पहले आपको क्या करना है, आपको इसे मसाज करते हुए अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों के पूरे लेंथ तक, बालों के पूरे सिरों तक अच्छे से अप्लाई कर लेना है। या फिर आप इसे किसी बॉटल में डालकर भी अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। बॉटल में डाल लीजिए, आप किसी भी जार में डाल लीजिए और आप इसे कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश यूज़ करेंगे तो आपको बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप इसे फ्रेश बनाएं और फ्रेश यूज़ करें। तो ये थी मेरी हेयर केयर रेमेडी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे वीक में 2 बार यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। बालों में जिस दिन भी आपको सर्द होना है उसे 2 घंटे पहले अप्लाई कीजिए और उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल वाटर से, शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप पहली बार में देखेंगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ हो गए हैं, लंबे, घने, मजबूत हो जाएंगे। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, गंजापन दूर होगा, बाल काले हो जाएंगे। तो आप इस DIY रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।